माफिया अतीक अहमद के पुत्र असद के एनकाउंटर पर अखिलेश के सवाल उठाने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दबी जुबा की दास्तां पीडी न्यूज। आइए रुक करते कुछ खास खबरों की ओर। अखिलेश एक पॉलिटिशियन है, ना कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो उनकी प्रतिक्रिया को फेस वैल्यू पर नहीं लिया जा सकता है। असद का एनकाउंटर पहला एनकाउंटर नहीं है, ना ही आखिरी होगा, लेकिन क्या अपराध से निपटने का ये बेहतर तरीका है? क्या इस तरीके में कुछ जायतियाँ भी हो सकती हैं, या भेदभाव भी, या फिर व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए इसका दुरुपयोग हो सकता है? क्या है एनकाउंटर की अवधारणा? कानून में एनकाउंटर शब्द नहीं है। एनकाउंटर किलिंग को भारतीय कानून की तरफ से कोई मान्यता नहीं दी गई है। आईपीसी के सेक्शन 96 में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई एक्ट अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन आईपीसी सेक्शन 99 में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग को मना किया गया है। यानी आत्मरक्षा का अधिकार हत्या का अधिकार नहीं है, ना ही ये बदला लेने का अधिकार है। सीआरपी के सेक्शन में 46 में अभियुक्त को अरेस्ट करने से संबंधित नियम दिए गए हैं। उसकी क्लॉज 3 में कहा गया है, नथिंग इन द सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर कोई गिरफ्तारी से बच रहा है तो ये पुलिस को उसके मारने का हक उसी हालत में है अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया हो जिसकी सजा उम्र कैद या मृत्युदंड हो। उस स्थिति में भी टांगों पर गोली मारने का हक है, न कि जान से मारने का। क्या पुलिस सचमुच अपराध खत्म करने के लिए काम कर रही है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के माफिया के खिलाफ एक्शन तेज हुआ है। इस सवाल का जवाब पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है। क्या पुलिस सिर्फ पॉलिटिकल क्लास की सनक पर काम करती है? क्या पुलिस कानून को मानती है? अगर हम ये माने कि योगी आदित्यनाथ के आने से अपराध पर शिकंजा कसा है, तो इसका मतलब पुलिस के लिए कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। पुलिस सिर्फ राजनेताओं के दबाव में काम करती है। हर पार्टी के अपने अपने प्रिय माफिया होते हैं, तो अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी का प्रिय होता तो क्या एक्शन होगा? और पार्टी में ही कोई अपराधी हुआ तो? अगर पुलिस दबाव में काम करती है तो भले इसका नतीजा अपराध कम होना हो, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ना कि पॉलिटिकल क्लास के लिए कानून के प्रति सम्मान है और ना ही पुलिस कानून का सम्मान करती है। जनता एनकाउंटर से क्यों खुश होती है? अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलता या बहुत देरी होती है, तो ऐसे हालत में अगर अपराधी का एनकाउंटर होता है तो लोगों को लगता है कि न्याय हो गया। दरअसल एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लोगों के खोए हुए विश्वास को दिलाता है। इसका मतलब है लोगों का कानून से भरोसा खत्म हो गया है। तो क्या सरकार द्वारा माफिया को खत्म करना कोई अपराध है? कानून को किसने बनाया? हम लोगों ने मिलकर पार्लियामेंट में हमारे ही प्रतिनिधियों द्वारा कानून बनाए जाते हैं। क्यों जरूरत है कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए? अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को जनता या सरकार ज्यादा अहमियत देती है, तो धीरे धीरे बेगुनाह भी इसकी चपेट में आने लगेंगे। ये एक तरह से लॉलेसनेस की स्थिति की तरफ जाना है। सरकार और पुलिस की नाकामी है कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या ऐसे एनकाउंटर का कोई नैतिक प्रश्न भी है? एक अपराधी अगर अपराध करके भी बिना सजा के बचा रहता है, तो उसका मतलब है कि वो इस वक्त में दूसरे अपराध भी कर सकता है। असद ने खुलेआम हत्याएं की, तो अगर उसका एनकाउंटर नहीं होता और वो पकड़े जाने पर भी जेल से ही अपनी हरकतों को अंजाम देता या खून करा देता, तो यह असंभव बात ना होती? क्या वो जेल की सजा काटकर सुधर जाता? जेल सुधार रही तो है, उसकी हत्या ने और कई आने वाली हत्याओं को रोका है। लेकिन ये अक्सर कब होता है? जब पुलिस के आदमी भी मारे जाते हैं, या नेताओं की आँच आती है, या पार्टियों को चंदा देने वालों को कोई खतरा होता है। अगर असद ने झुग्गी झोपड़ी के लोगों की हत्या की होती, तो क्या पुलिस तब भी उसका एनकाउंटर करती? तो क्या एनकाउंटर भी एटलिस्ट होते जो सिर्फ कुलीन वर्ग को ही कैटर करते हैं? क्या अतीक अहमद और उसके भाई की भारी पुलिस कस्टडी के बावजूद हत्या होना पुलिस की चूक नहीं दर्शाता? क्या योगी आदित्यनाथ को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं दबी जुबा की दास्तां पीडी न्यूज। आइए एक दो टके के डंडे अतीक अहमद के भाई की हत्या होने मात्र से योगी आदित्यनाथ क्यों मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? एक गुंडे की हत्या हुई है, कोई शरीफ आदमी की हत्या नहीं हुई है। ये वही गुंडा है जिसने ना जाने कितने लोगों की हत्या करवाई है। कांग्रेस के राज में तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी हत्या हुई है, वो भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। तब तो किसी ने नहीं कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, यहाँ पर गलती कानून की है, कानून के द्वारा उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कानून अंधा है, भारत के बड़े बड़े अपराधियों को मामूली सजा देता है या उनको छोड़ देता है, तभी भारत में इतना अपराध बढ़ा है। भाई उठा रहे हैं, भाई ये नहीं दो, भाई अभी छोड़ दो, छोड़ दो सर, छोड़ दो अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। उधर देख, उधर देख, उधर देख, उधर देख।